हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार। हमारे चैनल के अर्निंग टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देख लिया फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आदिया पेमेंट बैंक CSP सेंटर का AEPS रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि जो उसमें AEPS रजिस्ट्रेशन का आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, उसी का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे उसका सॉल्यूशन है, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के नेटिक्स को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल के बेल आइकन घंटे को दबा दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग आदिया पेमेंट बैंक की एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात है फ्रेंड्स, AEPS पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं AEPS रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, तो ये आपका AEPS नहीं खुल रहा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर आप न्यू रिटेलर बनाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस रिटेलर को, और अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी से तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिटेलर को कैसे करना होगा, तो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे होगा और क्या इसमें AEPS वर्क करेगा, तो पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि इसकी रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से में विजिट कीजिए, वहां पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट करके बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और साथ ही में आपको हमारा ये स्टोर का लिंक आपको मिल जाएगा, हमारा KK अर्निंग ऑनलाइन स्टोर का भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप हमारे KK अर्निंग के ऑनलाइन शॉप पर जाकर के वहां से भी आईडी को परचेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। तो चलिए आप लोग हम लोग सॉर्ट आउट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इसकी सॉर्ट आउट करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको इसकी वेबसाइट यानी कि आदिया पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जाना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, वहाँ पर इस आईडी रिटेलर आईडी को लॉगिन करना है। सबसे पहले उस रिटेलर आईडी को लॉगिन करना है, तो मैं फटाफट से उस रिटेलर आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लॉगिन कर चुका हूँ उस रिटेलर आईडी को। रिटेलर आईडी जैसे आप सक्सेसफुल वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में जा करके आपको साइड में आपको यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये सर्विसेज नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये सर्विसेज आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद बैंकिंग वाले सर्विस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैंकिंग वाले सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मनी ट्रांसफर, दूसरा AEPS का। तो आपको सबसे पहले AEPS वाले आइकन यानी कि AEPS वाले पे क्लिक करना है। जैसे AEPS वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का AEPS रजिस्ट्रेशन नाम से एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग AEPS रजिस्ट्रेशन नाम से आप लोगों का एक फॉर्म आ जाएगा। तो आपका जिस नाम से आईडी होगा, जिस नाम से आपने आईडी बनाया होगा, तो वो नाम वगैरह मेल आईडी वगैरह शो होगा। तो कुछ डिटेल्स इसमें जैसे कि नहीं भरा हुआ होगा, जैसे कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक आपका, ये लैंडमार्क क्या है, मोहल्ला कौन सा, लोकेशन आपका, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि शॉप ऑफ टाइप, ये सारा चीज़ आपको फिल करना है। ये सारा चीज़ आपको फिल करने के बाद आपको यहां पर सबमिट कर देना है। तो मैं फटाफट से इस डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। सारी डिटेल्स जैसे आप फिल कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आकर के सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके जैसे KYC सबमिट आपका हो जाएगा उसके बाद आपको ओके वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके आ जाए। तो जैसे नेक्स्ट इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका AEPS BC ID आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एप्लीकेशन पर आ जाना है। तो एप्लीकेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं AEPS पर क्लिक करते हैं। तो AEPS पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा AEPS का खुलना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद कैश विड्रॉ वगैरह पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। तो यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद वेरीफाई वाले पर आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि आपका होगा आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड का फ्रंट साइज, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड की बैक साइड डालना है। उसके बाद शॉप फोटो में आपको अपना दुकान का फोटो डालना है और पासवर्ड साइज में आपको अपना पासवर्ड साइज फोटो अपलोड करना है। तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आ जाएगा पेंडिंग यानी कि आपका जो स्टेटस है रजिस्ट्रेशन वो पेंडिंग। यहाँ पर जैसे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग आपको शो करेगा। तो ये पेंडिंग शो करेगा यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग में है AEPS रजिस्ट्रेशन। तो इसे अप्रूव होने में करीबन 2 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद आपको KYC करना होगा। उसके बाद आपको अपनी AEPS की KYC करनी होगी। तो AEPS KYC करने के लिए आप देख सकते हैं हाउ टू कंप्लीट ऑफ आदिया पेमेंट बैंक AEPS KYC का वीडियो हमने पहले से बना करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको विजिट करके आपको इस KYC वीडियो को देख करके आपका जैसे वो BC एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपको इस वीडियो को देख करके अपनी AEPS KYC कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जैसे AEPS
केवाईसी आप AEPS कंप्लीट करते हैं केवाईसी, उसके 24 आवर्स के बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी AEPS सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी आप लोग को बताना चाह रहा था वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।